हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। आज की वीडियो है रिलेटेड टू चिकन लवर वालों के लिए। जो जो लोग चिकन के शौकीन हैं, जो जो लोग ये सोचते हैं कि डाइट करेंगे तो चिकन खाना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ अ चिकन डाइट फॉर एक्सट्रीम एंड फास्ट वेट लॉस। ये डाइट 1 मंथ का एग्जैक्टली आप फॉलो कर सकते हो। इस डाइट को करने से आपका फास्ट वेट लॉस होगा, फॉर एग्जाम्पल 10 किलोज इन 1 मंथ, बहुत ईजिली जाएगा। ये बहुत ही सिंपल डाइट है, बहुत ही सिंपल इंग्रीडियंट से बनी है एंड बहुत ही फिलिंग है। प्लस ये आपको फास्ट वेट लॉस देगा। बट इस डाइट को करने से पहले मेक श्योर आप अपने सारे ब्लड टेस्ट करा लो, रिलेटेड टू विटामिंस, विटामिन D3, B12, आयरन, फेरेटिन, आपका हीमोग्लोबिन लेवल, उसके बाद जाके ही आप किसी भी डाइट चार्ट पे जंप किया करो। सो पॉइंट इज कि ये डाइट कैसी है और इसमें कौन कौन सी रेसिपीज हैं। टाइमिंग वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं विद द मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक में हम लेंगे ऐश गार्ड का जूस। ऐश गार्ड का जूस कैसे बनाना है, चलते हैं किचन में। ओके जी, सो स्टार्ट करते हैं हमारा चिकन डाइट विद द हेल्प ऑफ ऐश गार्ड जूस। सो ये रहा मेरे पास वाइट पेठा, अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है, इसका हम जूस निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है जी, बड़ा सिंपल है जी। सारा बीज निकाल दो जी, यहाँ पे छिलका निकाल दो जी आप इसका। ये रहा 1 स्लाइस, 2 स्लाइस, 3 स्लाइस। सो इसका हम निकालेंगे जूसर में जूस। चलिए जी, ये रहा मेरा जूसर। ऑलराइट जी, सो ये निकल गया जी, आधा गिलास जितना मेरा ऐश गार्ड जूस। ट्रस्ट मी, पूरे टॉक्सिन्स बाहर जाएंगे इससे, आप पूरे टॉक्सिन्स एक राम बाण है। नेक्स्ट इज हम बात करते हैं अभी ब्रेकफास्ट की। नाउ ब्रेकफास्ट में मैं यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दूंगी। यहाँ पे मैंने चिकन सैंडविच बनाया था, चिकन का सैंडविच। सेकेंडली यहाँ पे मेरे पास मूंग दाल की खिचड़ी है, किनुआ की खिचड़ी है, ओट्स की खिचड़ी है, या फिर आप रोटी एंड सब्जी ले सकते हो, ये रही रोटी की रेसिपी। नेक्स्ट इज आप यहाँ पर टिक्की ले सकते हो, चना की टिक्की ब्रेकफास्ट में, राजमा की टिक्की ब्रेकफास्ट में, इन दोनों टिक्कियों में से आप कोई भी एक पिक कर सकते हो। सो ये सारे ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन पिक कर सकते हो एज पर योर चॉइस, बिकॉज 1 मंथ का डाइट है, हमें वेराइटीज ऑफ ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस चाहिए। अगर आपको इन सब में से भी कुछ पसंद नहीं आता, देन यू कैन स्विच टू उपमा एज वेल। ये रही उपमा की रेसिपी, आप उपमा पे भी स्विच कर सकते हो। नाउ मूव टू दी मिड ब्रेकफास्ट। मिड ब्रेकफास्ट में आप लोगे कोई भी एक सीजनल फ्रूट जो भी आपके आसपास के एरिया में मिल रहा है लोकली, बहुत महंगी चीजों पे नहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल अभी के जो सीजन में मिल रहा है हमारे को जामुन, हैंडफुल ऑफ जामुन ले सकते हो, पीचेस ले सकते हो। नेक्स्ट इज प्लम्स आ रहे हैं मार्केट में, आप प्लम्स भी ले सकते हो, 1 मैंगो खा सकते हो, बाउल ऑफ वाटरमेलन ले सकते हो, मस्क मेलन भी आप यहाँ पे ले सकते हो। नाउ मूव करते हैं लंच पे। लंच के अंदर हमें क्या लेना है, लंच के अंदर मैंने ओट्स और चिकन की खिचड़ी की ये रही रेसिपी मैंने बनाई थी मेरे सुमन सनशाइन सीक्रेट वाले चैनल पे। आप ये ओट्स एंड चिकन की खिचड़ी आप पिक कर सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ चिकन की टिक्की। चिकन की टिक्की कैसे बन रही है, चलते हैं किचन में। ऑलराइट जी, सो अब हम बनाने जा रहे हैं लंच की रेसिपी, चिकन टिक्की। चिकन टिक्की के लिए हमारे को क्या चाहिए, कद्दूकस की हुई गाजर, ये मैंने डाल दी है, एक पूरी गाजर एक कद्दूकस की हुई है, ये डल गई है जी बढ़िया से। ये रहा मेरा प्याज, एक प्याज मैंने यहाँ पर डाल दिया है। टफी को चिकन की खुशबू आ गई है, उसकी भैं पूरी चालू हो गई है, जो कि उसको मिलेगा अभी। अच्छा जी, नेक्स्ट इज यहाँ पे ये रहा मेरे पास बॉइल्ड चिकन। इसको बिल्कुल अच्छे अच्छे से हमने चिकन को चूरा चूरा कर लेना है, अच्छे से बॉयल करना चिकन को, बिना नमक के चिकन को बॉयल कराया मैंने यहाँ पर। इसको खूब अच्छे से हम मैश कर देंगे, खूब अच्छे से। 100 ग्राम से 150 ग्राम चिकन मैं यहाँ पे ले रही हूँ और ये 5 से 6 टिक्कीज मेरी बन जाएंगी बड़ी ही आराम से, हो गया। अच्छा, नेक्स्ट इज यहाँ पे मेरे पास है बेसन, 2 चम्मच बेसन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं डालूंगी इसमें मसाले। नेक्स्ट इज मसालों में सबसे पहले मैंने इसमें डाला है सॉल्ट। नेक्स्ट इज मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर। नेक्स्ट इज धनिया पाउडर। नेक्स्ट इज मेरा अजवाइन, पिंच ऑफ अजवाइन। नेक्स्ट इज हिंग पाउडर एंड सबसे अच्छी चीज़ है भुना हुआ जीरे का पाउडर। अब हाथ आपके साफ होने चाहिए और बहुत ही अच्छे से आप इनकी टिक्कियाँ बनाओगे, बढ़िया से एकदम बढ़िया से टिक्कियाँ बनाओगे। टफी बार बार इधर आ गया है, उसको चाहिए चिकन।
डॉक्टर ने अभी चिकन बंद कराया है और ये पूरी डिमांड में है चिकन के। थोड़ा सा बेसन हम इसमें और डालेंगे। ऑलराइट जी, खूब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। ये आप टिक्की लंच में बना कर खाओ, ऑफिस में लेकर जाओ, बच्चों को खिलाओ, पैटी का मन भर जाएगा। ऑलराइट जी, हाथों पे लगा लूँगी मैं थोड़ा सा घी, लग गया है घी। अब मैं बनाना शुरू करूँगी इनकी टिक्कियाँ। ऑलराइट जी, सो ये टिक्कीज हमारी रेडी है, अब हम इन्हें कुक करेंगे। ओके जी, ग्रिलर मेरा गरम हो चुका है, इसमें मैंने लगा दिया थोड़ा सा तेल बढ़िया से, और अब हम इस पे अच्छे से ये सिकाई करेंगे। हाँ, खुशबू बढ़िया, हम बढ़िया, टिक्की बढ़िया, मज़े आ गए। ऑलराइट जी, ये जो टिक्कीज हैं ये बिल्कुल रेडी हो गई हैं और अब हम इन्हें सर्व करेंगे, और खुशबू इतनी मज़ेदार आ रही है, एकदम बढ़िया। ओके जी, सो ये टिक्कीज को अब हम सर्व करेंगे। वन सिक्स एंड हियर यू गो, दिस इज़ योर लंच यार। और ऐसे लंच के बाद चीटिंग तो बनता ही नहीं है। वेलकम बैक जी, लंच का एक और ऑप्शन भी मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ आपको, ग्रिल्ड चिकन। नाउ ग्रिल्ड चिकन कैसे बनना है, चलते हैं किचन में। ओके जी, सो अब हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं ग्रिल्ड चिकन। सो ग्रिल्ड चिकन कैसे बनाना है और बिना बहुत सारे मसालों का हम बनाएंगे यहाँ पर। मैं यहाँ पे 100 to 150 ग्राम्स ऑफ चिकन ले रही हूँ। यस, दिस इज इनफ फॉर वन पर्सन। इसके अंदर हमने क्या क्या लगाना है, यहीं पर दे दियो, यहीं पर। इसके अंदर हम डाल रहे हैं सॉल्ट, धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर, हिंग पाउडर, हल्दी पाउडर। नेक्स्ट इज थोड़ा सा ऑयल, एक चम्मच जितना। नेक्स्ट इज यहाँ पे मेरे पास है हरी चटनी, ये मैंने इसमें डाल दी है, घर की बनी मिंट पुदीने की हरी चटनी। और अब हम इसको खूब अच्छे से सबको मिक्स करके रख देंगे फ्रिज में। पूरी रात रखना तो बहुत ही बढ़िया, नहीं रखना तो भैया कम से कम 2-3 घंटे के लिए तो रखो, फिर भी नहीं रखना तो इंस्टेंट बना लो। अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, भैया नहीं रख पाए तो इंस्टेंट बना लेंगे यार, बढ़िया। चलो जी, हो गया जी। अब हम इसको रखूंगी रात भर फ्रिज में और नेक्स्ट मॉर्निंग हम इसको बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया पैन, पैन के अंदर मैं हल्का सा ऑयल डालूंगी, बिल्कुल ना मात्र जितना, दिस मच, लाइक हाफ स्पून जितना ऑयल। खूब अच्छे से हम इसको फैला लेंगे तेल को बढ़िया से। यहाँ पे मेरे पास जो चिकन मैंने मैरिनेट करा था उसको यहाँ पे हम लगाना चालू करेंगे। ऑलराइट जी, और अब हम इसे पकने देंगे सिम आंच पर एक साइड से फॉर एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स के लिए, और बहुत ही सिम आंच कर देंगे, बहुत ही धीमी आंच। ओके जी, सो लेट्स फ्लिप दिस। अरे ये तो बड़ा डीप पीस है, ये कह रहा मुझे काटा क्यों है तुमने। काफ़ी तो पक गया है ये। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और कवर कर दो। अब इसको पकने देंगे सिम आंच पे 5 से 10 मिनट और। चलिए जी, हम देखते हैं हमारे ग्रिल्ड चिकन बना के नहीं बना, बहुत ही बढ़िया बना और बहुत ही अच्छी खुशबू में बना। ओके, बढ़िया, ये पक चुका है बहुत ही अच्छे से।
बहुत ही अच्छा। मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ ग्रिल्ड चिकन खाने के लिए, इतने सियाने हैं बाहर से ऑर्डर करके खाएंगे बटर वाला ग्रिल्ड चिकन ना, एकदम तंदूरी मक्खन से भरा हुआ। अब ये वाली रेसिपी खानी पड़ेगी बेटा जी, खुश होते रहो तुम। पाँच मिनट हम इसे और पकाएंगे एंड देन इट्स रेडी। चलिए जी हम इसको सर्व करेंगे। Here you go. Grilled chicken is ready. Welcome जी। So ये तीन ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं लंच के, बट यहाँ पे ये पॉइंट करते हैं कि ट्यूजडेज एंड थर्सडे को हम लंच क्या लेंगे। इनके अलावा अगर चिकन खाने का मन ही नहीं है आपको, नहीं जी मुझे चिकन नहीं खाना, मेरे चैनल पे समर्स की बहुत सारी स्मूदीज हैं, बैसल सीड्स की स्मूदी, फ्लैट बेली की स्मूदी, कोल्ड कॉफ़ी। आप इनमें से कोई सी भी एक स्मूदी अपने हिसाब से पिक कर सकते हो और अपनी डाइट में उसको ऐड कर सकते हो अगर आपको चिकन खाने का मन नहीं है, ट्यूजडेज है थर्सडेज है आप नहीं प्रेफर करते। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवनिंग के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे हम क्या लेंगे जी। इवनिंग के टाइम पे मैं आपको देना चाहती हूँ आइस टी, क्योंकि आपने चिकन खाया है, चिकन डाइजेशन में थोड़ा सा हार्ड होता है, कॉन्स्टिपेशन देने के थोड़े से चांसेस रहते हैं, आइस टी लेंगे थोड़ा सा ठंडा ठंडी चीज़। ये रही आइस टी की वीडियो और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप अपने फ्लेवर के हिसाब से कोई भी एक आइस टी पिक कीजिएगा, ठंडी ठंडी पीना। पॉइंट इज कि हम तो ऑफिस जाते हैं जी, हम तो स्कूल में होते हैं, हम रास्ते में होते हैं, हम कैसे आइस टी ले सकते हैं जी। मिल्टन और डबलिन के टम्बलर में बनाओ भाई, उसको फ्रिज में रखो, फ्रिज में स्टोर करो, हर ऑफिस में होता है, नहीं तो उसी टम्बलर में पड़े रहने दो, वो ना तो ठंडा रहेगा शाम तक कि आप पी पाओगे एटलीस्ट, राइट। और अगर आप घर पे हो तो ठंडी ठंडी बनाकर उसको एंजॉय करो। अब बात करते हैं जी डिनर की। डिनर में मैं बनाने जा रही हूँ चिकन सूप। चिकन सूप कैसे बनना है चलते हैं किचन में। चलिए जी यहाँ पे अब हम बनाने जा रहे हैं चिकन सूप। चिकन सूप के लिए यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ काटी हुई हैं जो कि हम यूज करेंगे डिनर में। सब्जियाँ कौन कौन सी है मेरे पास, पेठा, मेरा पेठा 25 ग्राम होगा, बहुत ही कम लिया है मैंने, आधी गाजर और आधा घिया, इसको मैंने कट करके इसमें डाल दिया है अच्छे से। अब यहाँ पे नेक्स्ट सिचुएशन है, यहाँ पे मेरे पास है प्रेशर कुकर, 5 मिनट में बनने वाला सूप है ये। यहाँ पे मेरे पास है प्रेशर कुकर, इसमें मैंने डाल दिया है गर्म पानी। जल्दी बनने के लिए इसके अंदर पहले ही गर्म पानी डाल दो ताकि टाइम ना लगे। अब ये मैंने 2 गिलास जितना गर्म पानी डाला है जी। इसके अंदर जो मेरी वॉश्ड सब्जियाँ हैं ये मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम इसको विदाउट सॉल्ट ले, विदाउट सॉल्ट, बट अगर आपको बहुत ही डिजी फील हो रहा है आप सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। ये डाल दिया मैंने 1 पीस चिकन का, 2 पीस बेसिकली 100 ग्राम्स चिकन, 100 ग्राम से ऊपर मत डालना। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी यहाँ पर मेरा हल्दी पाउडर, दैट्स इट। अब इसको मैं विसल कराऊंगी कम से कम 3 बार, 3 से 4 इसको विसल लगेंगे, 1 तेज आंच पे 3 सिम आंच पे। ओके जी, सो ये हमारा सूप जो है ये बॉईल हो चुका है एंड अब हम इसको ब्लेंड करेंगे, पूरा अच्छे से ब्लेंड करेंगे हैंड ब्लेंडर से जब ये ठंडा हो जाएगा। नहीं तो अगर आपके पास लोहे का कोई हैंड ब्लेंडर है आप उससे कर लीजिए, अगर आपके पास कांच का कोई ब्लेंडर है आप उससे कर लीजिए, बट इसको ब्लेंड करेंगे एंड देन हमारा सूप जो है वो रेडी। मैं मिलती हूँ ब्लेंड करने के बाद। ओके जी, तो ये जो सूप है ये बिल्कुल रेडी है। अगर आपको खांसी जुकाम बुखार भी है आप तब भी ये सूप पियेंगे, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी आपको। परफेक्ट। इसके ऊपर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा मेरा हरा धनिया एंड द सूप इज एब्सोल्युटली रेडी। वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं जी नाइट ड्रिंक। नाइट ड्रिंक क्या होगी जी, नाइट ड्रिंक होगी हमारी जीरा टी, द वर्ल्ड फेमस जीरा टी। जीरा टी कैसे बनानी है चलते हैं किचन में। ऑलराइट जी, सो अब हम बनाने जा रहे हैं नाइट ड्रिंक जो कि है जीरा टी। ये डाला मैंने आधा चम्मच जीरा पाउडर, ज़्यादा मत लेना गर्मियाँ चल रही हैं। इसमें डाल दिया मैंने आधा कप गरम पानी, बस, और ये बन गई जी हमारी जीरा टी। Alright जी, so that's all about this diet and make sure इस diet के साथ आप पानी पियो 3 से 4 लीटर अच्छे से और detox water add करना है। मेरे 7 days और 7 detox water की recipe ये रही, इसको definitely आप अपनी diet में add कीजिएगा and आप देखेंगे huge changes in your weight, huge changes in your belly,
आपके स्टमक का एरिया का फैट जाएगा, आपके लेग्स का भी फैट जाएगा, आपके जिन जिन लोगों को बैक के एरिया का फैट है ओवरऑल बॉडी से फैट निकलेगा एंड यू विल सी ह्यूज चेंजेस आफ्टर अ वीक इवन. एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको चेंजेस दिखने चालू हो जाएंगे एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट हो जाएगा कि यस 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 चेंजेस आए हैं, वी कैन डू दिस एंड वी ऑल कैन डू दिस. That's all about this video, guys. So leave a comment, your diet kaisa laga and kis kis ko kitne benefits hue hain. I'll see you soon in my next upcoming video with more and more and more new recipes. So take care, see. Bye bye.